तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कैसे हाइड करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट मेनू पर क्लिक करूंगा और कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा। यहां पे आप ये चार ड्राइव्स देख सकते हैं, लोकल डिस्क सी, डी, न्यू वॉल्यूम एफ और जी। जैसे कि मान लीजिए मुझे न्यू वॉल्यूम एफ को हाइड करना है, तो सबसे पहले मैं विंडो क्लोज कर दूंगा, वापस स्टार्ट मेनू पर क्लिक करूंगा, कंप्यूटर पर पॉइंटर लाकर राइट क्लिक करूंगा और मैनेज पर क्लिक कर दूंगा। तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें मैं स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करूंगा। यहां पर न्यू वॉल्यूम एफ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स पर क्लिक करूंगा और रिमूव पर क्लिक कर दूंगा और यस पर क्लिक कर दूंगा। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये न्यू वॉल्यूम के आगे जो एफ लिखा हुआ था वो हाइड हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि ड्राइव हाइड हुई या नहीं। तो मैं वापस स्टार्ट मेनू पर क्लिक करूंगा, कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा और आप यहां पे देख सकते हैं जो न्यू वॉल्यूम एफ थी वो हाइड हो चुकी है। तो इस प्रकार हम ड्राइव्स हाइड कर सकते हैं। तो चलिए विंडो क्लोज कर दूंगा। अब हम सीखते हैं ड्राइव को अनहाइड करना। तो स्टार्ट मेनू पर वापस क्लिक करूंगा, कंप्यूटर पर राइट क्लिक करूंगा, मैनेज पर क्लिक करूंगा, वापस स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करूंगा और यहां पर न्यू वॉल्यूम पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स पर क्लिक करूंगा और यहां पर अब मैं ऐड पर क्लिक करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने एफ सेलेक्ट कर रखा है क्योंकि जो हमने ड्राइव हाइड की थी वो एफ थी, इसलिए आप अपनी ड्राइव का नाम यहां से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ड्राइव का नाम वही रहने दे जो हाइड करने से पहले हो, क्योंकि अगर आपने कोई शॉर्टकट क्रिएट किया होगा तो वो चेंज हो जाएगा, इसलिए ड्राइव का नाम सेम रहने दे। एफ पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और विंडो क्लोज कर दूंगा, कंप्यूटर रिफ्रेश करूंगा। अब चलिए देखते हैं कि ड्राइव अनहाइड हुई कि नहीं। अब ये देख सकते हैं ये न्यू वॉल्यूम एफ अनहाइड हो गई, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर से ड्राइव्स हाइड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कंप्यूटर कोर्स से जुड़े और वीडियो के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें और हमारी रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।